दोस्तों, जब से हम इंसान धरती पर आए हैं तभी से हम दुनिया भर की जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब खूबसूरत जगहों के साथ साथ इंसान समुद्र में भी गोता लगाने जाया करते थे। अब तक हमें इस धरती पे ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिन्होंने वैज्ञानिकों के साथ साथ हम इंसानों को भी चौंका के रख दिया। अब दोस्तों, हमारे खोजकर्ता और वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि जब धरती पे कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है जो कि हजारों साल पुरानी है, तो हमारे समुद्रों में तो बहुत कुछ खोजा जा सकता है, क्योंकि हमारी धरती 70% पानी से घिरी हुई है। और इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार अब तक हम इंसानों ने सिर्फ 5% ही समुद्रों के बारे में जाना है। लेकिन दोस्तों, इस 5% खोज में भी हमारे गोताखोरों को समुद्र के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो कि इंसान तो क्या, वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो समुद्र के अंदर देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 इज जॉइंट नाइफ। दोस्तों, 2014 में इंटरनेट पे एक फोटो वायरल हुई जिसमें 3 स्कूबा डाइवर्स समुद्र के अंदर बड़ा सा चाकू पकड़े हुए थे। अब इस फोटो को देखकर कई लोगों ने बताया कि ये एक फोटोशॉप से एडिट करी हुई फोटो है, लेकिन लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि समुद्र में ऐसा विशाल चाकू देखने को मिला, क्योंकि कई किताबों में भी ऐसा लिखा था कि लाखों साल पहले हमारी धरती पे विशालकाय लोग रहा करते थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राचीन समय में रहने वाले लंबे चौड़े लोग ऐसे चाकू का ही इस्तेमाल किया करते थे। खैर, इन सब बातों के अलावा हम आपको बता दें कि उस तस्वीर के वायरल होने के बाद कई समुद्री गोताखोरों ने समुद्र में जाके छानबीन की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई विशाल चाकू देखने को नहीं मिला। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये फोटो फेक हो सकती है, वो समुद्री गोताखोर उस चाकू को ही ना खोज पाए हों। खैर, आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या ये फोटो नकली है या असली। नेक्स्ट इज स्पेनिश ट्रीजर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में लोग अपनी बेशकीमती चीजों को जमीन में गाड़ दिया करते थे। जैसे कई राजा महाराजा लुटेरों से बचने के लिए जमीन के अंदर अपने खजानों को रखा करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी दुनिया में इतना ज्यादा खजाना छुपा हुआ है कि हजारों लाखों लोग अपना पूरा जीवन इन्हीं खजानों को ढूंढने में लगा देते हैं। वैसे तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर इंटरनेट पे कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें बताया गया है कि लोगों को धरती के अंदर सोना चांदी के साथ पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले कई वस्तुएं मिली है। लेकिन दोस्तों, धरती पर मौजूद जो समुद्र है इसके अंदर भी कई गोताखोरों ने कीमती चीजों को खोजा है। और एक ऐसा किस्सा है 2015 का, जब एक समुद्री गोताखोरों का परिवार अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के पास मौजूद समुद्र में डुबकी लगा रहा होता है। अब समुद्र के अंदर जाने के बाद गोताखोरों को अचानक से ढेर सारा खजाना देखने को मिलता है। जब इस खजाने के पास जाकर उन लोगों ने देखा तो उन्हें 60 से ज्यादा सोने के सिक्के, हजारों चांदी के सिक्कों के साथ साथ बहुत सारी सोने की चेन भी हाथ लगी। अब दोस्तों, जब इस खजाने के बारे में पता लगाया गया तो पता लगा कि सन 1715 में एक पानी जहाज हवाना से स्पेन जा रहा था, लेकिन समुद्र के डूब जाने की वजह से यह खजाना भी उसी समुद्र के नीचे आ जाता है। वैसे इन खजानों के रकम की बात करें तो ये 5 से 10 करोड़ रुपए का खजाना था जो कि सरकार के कब्जे में है। नेक्स्ट इज कोलंबियन खजाना। दोस्तों, अगर आपको कहीं नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हवाई जहाज का निर्माण 17 दिसंबर 1903 में हुआ था, लेकिन इसके निर्माण से पहले लोग एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पानी के जहाजों से जाया करते थे। और जब एक देश की सेना को दूसरे देश से लड़ाई करनी होती थी तो भी इन जहाजों के जरिए ही हथियार और सैनिक पहुंचाए जाते थे। और लगभग हजारों साल पहले ब्रिटिश और कोलंबियन में भी जंग शुरू हो गई, लेकिन इस जंग में ब्रिटिश सेना जीत गई और स्पेनिश सेना का एक पानी जहाज जंग लड़ते लड़ते समुद्र के अंदर डूब गया। अब आपको बता दें कि स्पेन देश की सेना की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि उनका ये वो जहाज था जिसमें ढेर सारे हथियार और सोना चांदी रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों, 2015 में कोलंबिया के गोताखोरों ने जहाज के मलबे को ढूंढ निकाला और मलबे के साथ साथ उन लोगों को कीमती खजाना भी देखने को मिला जिसे कोलंबिया की सरकार ने अपने गिरफ्त में ले लिया। और आज के हिसाब से उस खजाने की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट इज जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, समुद्र के अंदर जहाज मिलना और कीमती खजाने का मिलना तो हम सबको समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जरा जीसस की इस बड़ी सी मूर्ति पर नजर डालिए जो कि पानी के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि जीसस क्राइस्ट की ये मूर्ति इटली के मेडिटेरियन समुद्र में मौजूद है,
इस मूर्ति का पूरा नाम है क्राइस्ट ऑफ द अबेस, जो कि ब्रॉन्ज पदार्थ से बनी हुई एक मूर्त है। दोस्तों, जब पहली बार इस मूर्ति के बारे में पता लगा तो सभी लोग हैरान हो गए कि जीसस की मूर्ति समुद्र के अंदर कैसे। लेकिन जब इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि मूर्ति को गुइडो गैलिटी नाम के व्यक्ति ने बनाया था और उन्हीं के द्वारा ही समुद्र के अंदर 1954 में इस मूर्ति को स्थापित किया गया। अब जब इसके बारे में अच्छे से छानबीन की गई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बाद में पता चला कि गुइडो के साथ समुद्र में गोता लगाने वाले उनके एक दोस्त की समुद्र के अंदर ही मौत हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त की याद में इस मूर्ति को स्थापित किया। खैर, आपको बता दें कि आज दुनिया भर के लोग समुद्र के अंदर बनती इस मूर्ति को देखने आया करते हैं। नेक्स्ट इज द लॉस्ट इजिप्शियन सिटी। दोस्तों, ये बात हम आपको बता दें कि समुद्र के अंदर खोजकर्ताओं को ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिन पर विश्वास करना हम आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार खोजकर्ताओं को समुद्र के अंदर एक पूरा का पूरा शहर भी मिला। हम जानते हैं कि आप चौंक गए हैं, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 2000 में खोजकर्ताओं द्वारा मेडिटेरियन समुद्र में एक शहर ढूंढा गया, जहां पर खजानों के साथ साथ कई सारे घरों के अलावा जहाज, सड़क, बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ साथ गार्डन भी देखने को मिलता है। अब जब गोताखोरों ने इस बात का दावा मीडिया में किया तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जब गोताखोर समुद्र के 30 फीट अंदर जाके इस शहर की तस्वीर लेकर आए तो सबके सब हैरान हो गए। अब दोस्तों, जब इस शहर के बारे में पता लगाया गया तो कई सारे किताबों में भी इसका जिक्र किया गया था और इस शहर का नाम था हिराक्लियन सिटी। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शहर का समुद्र में होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप आने से ये शहर पानी में डूब गया होगा, या फिर उस समय कोई बाढ़ आई होगी जिसका पानी इतना रहा होगा कि ये पूरा शहर आज तक पानी में समाया हुआ है। नेक्स्ट इज द्वारका, द लॉस्ट सिटी। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू देवता श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को अपने महल के तौर पे बनवाया था, लेकिन हमें मिली जानकारी में ये भी पता लगा कि द्वारका नगरी यादव समाज की नगरी हुआ करती थी, जहां पर कृष्ण भगवान रहा करते थे। लेकिन इनके इस दुनिया के चले जाने के बाद ये पूरा शहर समुद्र के अंदर समा गया। अब इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं ने कई सालों तक इसकी खोज की और फिर एक दिन खोजकर्ताओं को समुद्र के नीचे प्राचीन समय के पत्थर, निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स और टूटी हुई दीवारें भी मिली, जो कि लगभग 3500 साल पुरानी थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सरकार द्वारा द्वारका नगरी की खोज पर पाबंद लगा दिया गया और अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि सच में कोई द्वारका नगरी हुआ करती थी। लेकिन भगवद गीता के अनुसार कहा जाता है कि महारानी गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि तुम्हारे इस शहर के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश भी पानी में समा जाएगा। खैर दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या सच में द्वारका नगरी हुआ करती थी या ये बात सिर्फ एक मिथ है। एंड द लास्ट इज द पिरामिड ऑफ यूनागिनी। दोस्तों, आपने गीजा के पिरामिड तो देखे होंगे, अरे भाई असल जिंदगी में न सही, फोटो या किसी ट्रैवल ब्लॉग में तो देखा ही होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा धरती पे बनी हुई है, लेकिन अब हम आपको समुद्र में खोजी गई अब तक की पहली पिरामिड दिखाने जा रहे हैं, जो कि जापान के एक समुद्र में मौजूद है। दोस्तों, जापान के एक छोटे से आइलैंड योनागुने के पास समुद्र में गोताखोरों के एक टुकड़े को रहस्यमय पत्थर के साथ साथ ये पिरामिड भी देखने को मिले। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी तो पहले सबको यही लगने लगा कि ये हमारी प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसकी खोज 1986 में की गई और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये किसी शहर जैसा लगता है। अब दोस्तों, इस पिरामिड और मूर्तियों के बारे में पता लगाने के लिए मरीन जियोलॉजिस्ट मिसाकी किमुरा ने इस पर पूरे 15 साल तक रिसर्च करी, जिसके बाद इस बात का खुलासा हो गया कि इस स्ट्रक्चर को 5000 साल पहले इंसानों द्वारा ही बनाया गया। इनके अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया कि हाँ, ये एक शहर है, क्योंकि इस समुद्र के अंदर स्टेडियम, घर, सड़क भी देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस ऑब्जर्वेशन पे विश्वास करना क्या सही है या गलत, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें वही देखने को मिलता है जो हमारी आंख देखना चाहती है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें ऐसे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अननोन फैक्ट्स हिंदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ घंटे को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए